चैनल नेहा डिजाइन्स और मैं आपके दोस्त नेहा आलवी। आज हम आपके लिए लेकर आए एक सुंदर सी फ्रॉक। ये फ्रॉक हमने बनाई है 4 से 5 साल के बच्चे के लिए और इसको बनाने के लिए हमारी 2 मीटर नेट यूज हुई है और जो हमारी लाइनिंग है लाइनिंग हमारी 1.5 मीटर यूज हुई है। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों फ्रॉक की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कट करेंगे लाइनिंग की। तो ये हमने लाइनिंग लिया है, तो चलिए अभी नेट को रखते हैं साइड पे और लाइनिंग की कटिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले कट करेंगे टॉप पार्ट। टॉप पार्ट का जो हमारा मेजरमेंट है वो हमने यहाँ से रखा है। देखिए लेंथ है हमारी 10 इंच पर हमने लेंथ रखी है और विड है हमारी यहाँ से इसकी 20 इंच हमारी विड है और सेम मेजरमेंट में 2 पीस हमने कट किए हुए हैं। और अब इन दोनों पीस को हम फोल्ड कर देंगे। देखिए यहाँ से हमने दोनों पीस फोल्ड किए और अब इसकी मार्किंग शुरू करेंगे। सबसे पहले मार्क करेंगे शोल्डर का। तो शोल्डर लेंगे हम यहाँ से 5 इंच पर, ये हमारे शोल्डर का मार्क होगा। और यहाँ से लेंगे अब आर्म सोल का मार्क हम रखेंगे 5.2 इंच पर। शोल्डर का मार्क करने के बाद अब यहाँ से मार्क करेंगे चेस्ट का। तो चेस्ट हम लेंगे 6.5 इंच पर और कमर का मार्क होगा हमारे यहाँ से 5.6 इंच पर। इस तरीके से हमने इसकी मार्किंग की है। तो अब यहाँ से हम कट करें टॉप की मार्किंग। यहाँ तक करने के बाद हम मार्किंग करेंगे नेक की। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हमारा जो नेक होगा, नेक की हम लेंथ रखेंगे यहाँ से 2.5 इंच पर। तो देखिए यहाँ से 3.5 इंच पर हम इसको मार्क करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसको मार्क किया और अभी ये जो हमने मार्किंग की है इसी की हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने इसकी मार्किंग की है, इसको रखेंगे साइड पे और लेंगे अपनी नेट। यहाँ से इसको साइड पे रखेंगे। देखिए यहाँ से हमने ये टॉप लिया है और इस टॉप को हम क्या करेंगे, ये हम देखिए यहाँ से हमने नेट ली है, नेट के ऊपर कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये नेट जो हमारे पीस है ये हमने डबल फोल्ड किए हुए हैं और अब यहाँ से इसको हम एक बार और फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। उसके ऊपर रखेंगे हम यहाँ से लाइनिंग और अब करेंगे इसकी कटिंग। देखिए इस तरीके से हमने जो नेट है नेट की कटिंग कर दी है और नेट की कटिंग करने के बाद ये जो हमने 3 इंच पर मार्क किया था यहां से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इसकी हमें कटिंग कैसे करनी है, 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए अब यहां से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से अब इसकी हमने कटिंग की। तो चलिए अब हमारा जो नेक है अब नेक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से मार्क करेंगे नेक की विड। तो नेक की जो हमारी विड है वो हम रखेंगे यहाँ से 2 इंच पर। ये हमारी नेक की विड होगी और लेंथ रखेंगे हम यहाँ से इसकी 2.5 इंच पर। ये हमारा फ्रंट वाला नेक है और इसके बाद लेंगे बैक साइड का। तो जो हमारा बैक साइड का नेक होगा उसकी लेंथ हम रखेंगे यहाँ से 1.6 इंच पर और अब करेंगे इसकी कटिंग। टॉप पार्ट कट करने के बाद अब कट करेंगे बॉटम पार्ट। तो यहां से इन दोनों पीस को भी हम रख देंगे और लेंगे अपना बॉटम पार्ट। तो यहाँ से ये हमारा लाइनिंग है। इसका हमारा मेजरमेंट है यहाँ से देखिए, लेंथ हमने रखी है इसकी 25 इंच पर हमारी लेंथ है और विड है हमारी यहाँ से 25 इंच हमारी विड है और सेम मेजरमेंट में 2 पीस हमने कट किए हुए हैं। और अब इन दोनों पीस को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ से हमने इन दोनों पीस को देखिए इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर दिया है
और अब लेंगे अपनी लाइनिंग, तो यहाँ से लाइनिंग को मिलाएंगे, देखिए इस तरीके से, और इसकी कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ से हमने इसको मिला लिया है और अब यहाँ से हम करेंगे इसकी मार्किंग। इसकी मार्किंग करने के बाद हम लेंगे हमारा जो इंची टेप है वो लेंगे और इसको एक बार यहाँ से नाप लेंगे। तो ये हमारे यहाँ से होगा 25 इंच पर, इसको हम मार्क करेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसी की हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बॉटम पार्ट है जिसकी हमारी कटिंग हो गई है और अब इसके बाद अब हम कट करेंगे नेट। तो इसको रखेंगे साइड पे और लेंगे अपनी नेट। हमारी जो नेट है वो भी हमने सेम मेजरमेंट में ली है और यहाँ पर हमारा जो इसका मेजरमेंट है, देखिए लेंथ हमने रखी है इसकी 28 इंच पर और विड्थ है हमारी यहाँ से इसकी 27 इंच हमारी विड्थ है और सेम मेजरमेंट में यहाँ पर ये हमने 4 पीस कट किए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर हमने 4 पीस जो है वो कट किए हैं। इसमें हम जो नेट होगी नेट की डबल लेयर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ से हमने हमारी जो लेयर है इसको फोल्ड किया और अब लेंगे अपनी लाइनिंग और लाइनिंग को रखेंगे इसके ऊपर। तो देखिए हमारी जो नेट है हम नेट की मार्किंग करेंगे। तो नेट जो है हमारी वो लाइनिंग से हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरीके से। और ऊपर से हम रखेंगे इसको इक्वल। तो अब ये जो मार्किंग हमने की है इसी की हम कटिंग करेंगे। जो नेट है नेट की कटिंग भी हमने तैयार कर दी है। तो नेट के जो हमारे जो पीस हैं ये हमारे 4 कट हुए हैं, तो 4 हमारे नेट के ये पीस कट हुए हैं। नेट जो कि हमारी वो हम डबल यूज करेंगे और लाइनिंग यूज करेंगे हम सिंगल। तो इस तरीके से हमारे जो फ्रॉक का बॉटम पार्ट है उसकी कटिंग हो गई है। तो चलिए अब कटिंग करते हैं स्लीव्स की। तो स्लीव्स के लिए देखिए हमने यहाँ पर ये वाला पीस लिया है और इसका हमारा मेजरमेंट है यहाँ से। लेंथ हमने रखी है इसकी 9.5 इंच पर और विड्थ हमारी यहाँ से 15 इंच पर। और सेम मेजरमेंट में 2 पीस हमें यहाँ पर लेने हैं और इन दोनों पीस को अब करेंगे हम फोल्ड। आर्म होल का मार्क क्या था हमने 5 इंच पर, तो यहाँ से भी हम इसको 5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से। और जो हमारी स्लीव्स हैं स्लीव्स की लेंथ हमें यहाँ से रखनी है, देखिए स्लीव्स की लेंथ हम रखेंगे यहाँ से 7 इंच पर और मोहरी हम लेंगे यहाँ से 4 इंच पर। स्लीव्स कट करने के बाद अब इसमें हम यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने 2 पीस और हैं जो कट किए हुए हैं और इनका हमारा मेजरमेंट है यहाँ से। देखिए यहाँ से हमने 2 पीस लिए हैं और इनका हमारा मेजरमेंट है। देखिए लेंथ हमने रखी है इसकी 9 इंच पर और विड्थ है हमारी यहाँ से 26 इंच हमारी विड्थ है और सेम मेजरमेंट में 2 पीस हमने कट किए हैं। तो ये हमारी स्लीव्स हैं। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे अपना टॉप पार्ट, ये हमारा टॉप पीस है। तो टॉप पीस हमें तैयार करना है, तो यहाँ से हम फ्रंट वाला पीस लेंगे, पहले इसको कर लेंगे हम ओपन। तरीके से हमने फ्रंट पीस को ओपन किया और यहाँ से हम एक पीस लेंगे और इस वाले पीस को रखेंगे। देखिए दोनों पीस को मिलाएंगे इस तरीके से, दोनों पीस को मिलाना है और यहाँ से देखिए इस वाले पीस को हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और अब लगाएंगे इसके ऊपर एक सिलाई।
ठीक है, यहाँ से हमारी जो लाइनिंग थी, लाइनिंग हमने इसमें ऐड कर दी है, और लाइनिंग को ऐड करने के बाद और अब यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे। और नेक के लिए पाइपिंग कट करेंगे। देखिए अब यहाँ से हमारे जो नेक की पाइपिंग है ये लेंगे और इन दोनों को मिलाएंगे और अब इसके ऊपर लगाएंगे यहाँ पर सिलाई। ठीक है, यहाँ से हमारी जो पाइपिंग थी, पाइपिंग हमने ऐड कर दी है और अब लगाएंगे यहाँ पर कट। कट्स लगाने के बाद अब इन दोनों को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे सिलाई। देखिए हमारा जो नेक है तैयार है और इसके बाद लेंगे अपना बैक साइड का पीस। देखिए बैक वाले पीस में भी हमने पाइपिंग करके इसको तैयार कर दिया है और अब यहाँ से हम दोनों पीस को मिला लेंगे। दोनों पीस को मिलाने के बाद दोनों शोल्डर सिलेंगे और यहाँ पर लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। देखिए यहाँ से हमने दोनों शोल्डर सिलकर तैयार कर दिए हैं और फिटिंग की सिलाई भी हमने लगा दी है। तो उसके बाद लेंगे अपना बॉटम पार्ट। तो यहाँ से हम अपना बॉटम पीस लेंगे। पहले हम लाइनिंग लेंगे और देखिए लाइनिंग को रखेंगे हम इस तरीके से और ये जो हमारा पीस है इसको हम एक बार यहाँ से नाप लेंगे। देखिए ये हमारा इतना है तो दोनों साइड से अब यहाँ से इसको नापने के बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पर लगाएंगे हम सिलाई। देखिए यहाँ से इन दोनों पीस को हमने सिलकर तैयार कर दिया है और इसके बाद क्या करना है, अब लेंगे हम अपनी नेट। तो नेट के हमारे जो यह है चार पीस हैं तो यहाँ से हम दो पीस लेंगे। इस तरीके से हमें दो पीस लेने हैं और इन दोनों पीस पे भी यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। देखिए यहाँ से हमारी जो नेट है, नेट के दोनों पीस हमने सिलकर तैयार कर दिए हैं तो अब यहाँ से हम इनको सीधा करेंगे। देखिए नेट को सीधा करने के बाद अब डालेंगे इसको हम दूसरी नेट के अंदर। दोनों नेट को हमने सीधा कर लिया है और अब यहाँ से डालेंगे इस नेट को हम दूसरी नेट के अंदर डाल देंगे। इस तरीके से हमने इन दोनों को इसके अंदर डाला और इसके बाद लेंगे हमारी जो लाइनिंग है, लाइनिंग लेंगे और लाइनिंग को भी पलट लेंगे इस तरीके से और इसको भी डालेंगे। हमारे जो दोनों लेयर हैं इन दोनों लेयर के अंदर डाल देंगे। इस तरीके से यहाँ से हमने इनको, देखिए यहाँ से हमें तीनों लेयर जो थी हमारे वो तीनों मिलाकर तैयार कर लिए हैं और इसके बाद लेंगे अब अपना टॉप पार्ट। तो अब टॉप पार्ट को हमें कैसे ऐड करना है, देखिए यहाँ से हमारा ये टॉप पीस है और इस टॉप पीस को हमें क्या करना है, यहाँ से हमारी जो लेयर है इसको हम इस तरीके से पकड़ लेंगे और डालेंगे इसके अंदर और यहाँ से इन तीनों पीस को मिलाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने तीनों पीस को मिलाया और अब यहाँ से मिलकर इनको हम सिलकर तैयार कर देंगे और सीधा करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे स्लीव्स। तो चलिए अपने स्लीव्स तैयार करते हैं, इसको अभी साइड पे सरकाएंगे। देखिए अपने स्लीव्स लेंगे तो यहाँ से हम पहले एक स्लीव तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हमने ये एक पीस लिया और इस एक पीस को हम यहाँ पर देखिए दोनों साइड पे यहाँ पर लगाएंगे कच्ची सिलाई। देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगाकर इसको तैयार कर दिया है और इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हम एक धागा खींचेंगे। इस तरीके से हम इन दोनों पीस को मिलाएंगे यहाँ पर और इन दोनों पीस को सिलकर
तैयार करेंगे। देखिए हमारी जो स्लीव्स हैं वो हमने इस तरीके से ऐड कर दी हैं, और स्लीव्स के बाद हमें देखिए यहाँ पे भी हमने कच्ची सिलाई लगाकर तैयार किया था, तो उसके लिए हमने देखिए यहाँ पर ये पीस लिया हुआ है और इसका हमारा मेजरमेंट है यहाँ से। लेंथ हमने रखी है इसकी 4.5 इंच पर और विड्थ हमारे यहाँ से इसकी 13 इंच पर। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारा पीस है यहाँ से हम धागा खींचेंगे। देखिए यहाँ से हम धागा खींचेंगे और अब इसको रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ पर लगाएंगे एक सिलाई। देखिए यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम पलट देंगे इस तरीके से और एक बार यहाँ से फोल्ड करेंगे और एक बार और हम इसको फोल्ड करेंगे और अब इसके ऊपर लगाएंगे एक सिलाई। देखिए यहाँ से हमारी जो स्लीव्स है तैयार है और अब इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद लेंगे अपनी फ्रॉक और आर्म सोल को नाप लेंगे। आर्म सोल को नापने के बाद अब यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको तैयार कर दिया है और अब हम इसको यहाँ से पलट लेंगे और पलटने के बाद डालेंगे आर्म सोल के अंदर। देखिए यहाँ से आर्म सोल के अंदर डालेंगे और अब इसको देखिए इस तरीके से मार्क कर लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे अब इन दोनों को मिलाकर सिलाई। सेम तरीके से दोनों स्लीव्स हमने ऐड कर दी हैं और इसके बाद लेंगे अपना बॉटम पार्ट। तो यहाँ से ये जो हमारा बॉटम पार्ट है इसको अब हम यहाँ से देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। देखिए दोस्तों हमारी जो फ्रॉक है बनकर तैयार है और इसी के साथ देखिए हमारा जो बॉटम पार्ट है इस पर आप चाहे तो पीको करा सकते हैं या फिर सिंपली ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं, इसको हमने ऐसे ही छोड़ा है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कल फिर मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।